हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर कैसे बॉर्डर लाइट को सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्मार्टफोन पर सेट की हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, तो ऐसे ही आप भी अपने स्मार्टफोन पर इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर बॉर्डर लाइट सर्च करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर लाइट एलईडी कलर लाइव वॉलपेपर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और यहाँ पर रेटिंग इसकी 4.0 है। चलिए अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम करेंगे लेट्स गो पर क्लिक। तो दोस्तों जैसे ही हम लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, जो पहला ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सेट वॉलपेपर पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा साइकिलिंग स्पीड, हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं साइकिलिंग स्पीड को, और बॉर्डर साइज को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो चाहे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और अब हम इसे यहाँ से नोच को भी ऑफ और ऑन कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। और अब हम यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को भी सेट कर सकते हैं, गैलरी से, फाइल मैनेजर से, जहाँ से भी आप चाहें सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सेट नहीं करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर है नॉच सेटिंग, आप नॉच की भी सेटिंग कर सकते हैं, कितनी बड़ी नॉच वाला बॉर्डर चाहिए या उसका साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इमेज सेटिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ से विजिबिलिटी इमेज की बढ़ा और घटा सकते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट बैकग्राउंड इमेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे सेट करके दिखाता हूँ बॉर्डर लाइट को। यहाँ से हम इसे क्रॉस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं सेटिंग यहाँ पर भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम इंटरफेस है। फिर से हम यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे और एज बॉर्डर पर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम होम स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे, होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए सेट हो चुका है हमारी बॉर्डर लाइट, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।